हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का फनी चैट की वीडियो में स्वागत है। तो आपने जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हमने ये बताया था कि जो हमारा वर्किंग था फैक्ट्री में, उसका ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, ताकि आपको एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। इस सेकेंड पार्ट में जो हम दिखाएंगे आपको, आगे का प्रोसेसिंग दिखाएंगे वर्किंग का, कि किस तरीके का वर्किंग हमारी फैक्ट्री में किया जाता है। अगर आप भी फैक्ट्री मेड या फिर ऑन साइड या ऑफ साइड फर्नीचर बनाने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेस तो हमारा ये सेकंड पार्ट है। इस सेकंड पार्ट में हम आगे का प्रोसेसिंग देखेंगे, फैक्ट्री मेड में जो मॉड्यूलर फर्नीचर या अदर फर्नीचर बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाता है। और काफ़ी भाइयों के कमेंट भी आए थे मशीन को लेकर कि भाई पैनल्सा के बारे में भी बताएं, तो इस वीडियो हम पैनल्सा के बारे में भी बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो जो अभी हमारा फर्नीचर आप देख सकते हैं, ये हमारा एक ड्रेसिंग है, ये भी अभी अनकम्प्लीट है, इसके अंदर अभी काफ़ी काम बाकी है। जैसे कि यहाँ पे एक डोर है, इसके अंदर ये डोर लगाया गया है, यहाँ पे एक मिरर है, और मिरर आप देख सकते हैं ये सेंसर वाला है, यहाँ से टच होके ये चालू हो जाएगा विदाउट, अभी फिलहाल लाइट इसमें कम्प्लीट नहीं हुई तो इसलिए ये अनकम्प्लीट है। तो ये फिलहाल अभी भी पूरा अनकम्प्लीट है, ये पूरा मॉड्यूलर फर्नीचर बन रहा है हमारी मशीन द्वारा। तो मशीन हमारी ये है पैनल्सा, ये हमारी पैनल्सा है, जिसके अंदर हम आज आपको कुछ एंगल के द्वारा कटिंग करके बताएंगे, और हार्डवेयर वगैरह सब प्रीमियम क्वालिटी है। ये जो फर्नीचर बना है, जो कटिंग आप देख रहे हैं, कुछ कारकेस वगैरह, कुछ कैबिनेट्स वगैरह आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब असेंबल हुए हुए है, अनकम्प्लीट भी है, कम्प्लीट भी हो चुके हैं, ये सब हमारे फैक्ट्री मेड में तैयार किए गए। और ये सारा वर्किंग जो आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमारा कस्टमाइज एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है। कलर किस तरीके का वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमाइज किया जाता है, फुल्ली कस्टमाइज किया जाता है। तो ये तो हो गए हमारे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जो हमारा यहाँ प्रोग्रेसेस चल रहा है फर्नीचर का। अब बात करते हैं हमारे पैनल्सा के बारे में, जिन भाइयों का हमारा कमेंट आया था पैनल्सा को लेकर। तो ये जो पैनल्सा है, ये जय कंपनी की है, आप देख सकते हैं मेंशन क्या हुआ है, J3200 इन क्लासिक पैनल्सा है ये हमारी। ये एक बेसिक मॉडल है, इसके बाद एक प्रो मॉडल भी आता है। इसके अंदर ये एक स्लाइड है, जिसमें आप फुल्ली सीट का कटिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक्सेंटेसा की कंपनी की जो सीट होती है वो 9x6 आती है, तो 9x6 ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कटिंग करके देता है, और वो भी 00 mm, मतलब दुनिया में करके देगा कोई भी। आपको किसी भी एंगल से अगर आप साइज नापते हैं तो आपको बाल बराबर भी, यानी कि 1 mm का भी आपको फर्क नज़र नहीं आने वाला। तो ये एक स्लाइड है, जिस तरीके से पूरा स्लाइड होता है, इसके ऊपर हमारी सीट रखाती है, और सीट रखने के बाद इजीली कटिंग हो जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये एक कटर है और एक सॉ कटर है जो उसके नीचे है, वो भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देखें, अभी आपका कटर जो है वो धीरे धीरे ऊपर आएगा, ये ऊपर आना चालू हुआ है। एक्चुअली इसमें क्या है, ये जो कटर है ये वाला, ये नीचे से कटिंग करता है, और ये हमारा बड़ा कटर जो 12 इंच का है ये ऊपर से कटिंग करता है। अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा, फिलहाल मैं अभी पहले आपको मशीन के बारे में पूरा क्लियर समझा देता हूं। उसके बाद ये हमारा एक स्लाइड गेज है, यहां से इसके अंदर आप मैक्सिमम 46 तक का गेज इसके अंदर आप बांध सकते हैं, 46 तक की कटिंग कर सकता है ये राइट हैंड से, और ये इजीली स्लाइड होता है। बस ये कि थोड़ा सर्विस वगैरह अगर आप मशीन की करते रहेंगे तो आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद यहाँ से ये एक्सटेंड होता है 9 फिट तक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर ये 119 यानी कि 120 10 फिट तक ये एक्सटेंड हो जाता है, उसके बाद ये 10 फिट की कटिंग करता है। बहुत ही इजी है, मशीन के द्वारा जितना भी काम होता है वो बहुत इजी हो जाता है हमारा, वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि एक तो फास्ट हो जाता है, प्लस फिनिशिंग आ जाती है। अब मैं आपको मशीन चालू करके बताता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा बड़ा कटर चालू हो चुका है, उसके बाद ये हमारा सो कटर चालू हुआ है छोटे वाला, उसके बाद हमको डस्ट कलेक्टर चालू करना पड़ेगा, वो एक्चुअली इसलिए क्योंकि जो कटिंग होने के बाद जो डस्ट उड़ती है वो हमारे इस डस्ट कलेक्टर के अंदर आ जाएगी। ये भी हमारा सेम उसी कंपनी का है, तो आप देख सकते हैं दोनों मशीन हमारी चालू हो गई है। अब मैं आपको कुछ कटिंग करके बताता हूँ। अब इसमें अगर मेरे को यहाँ पे गेज बांधना है, 10 इंच का कोई कटिंग करना है, तो मैं यहाँ पे इसको स्लाइड करूँगा, ये देखिए, तो इस स्लाइड से मैं 10 इंच यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मुझे 10 इंच का कोई कटिंग करना है तो इसमें 10 इंच ये रहा,
और ये इसको ऊपर लाके हम इसको यहाँ पे फिटिंग कर देंगे। और आप अगर मुझे कोई 10 इंच का पीस काटना है तो मैं इसको इधर से लूँगा, यहाँ पे रखूँगा और अपने ये देख सकते हैं ये जो है हमारा इनर साइड कटिंग कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा जो नीचे जो चिपिंग होती है वो आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये पहले हमारी इनर कटिंग करता है, उसके बाद ये हमारी अपर कटिंग कर रहा है, बड़ा कटर जो है वो अपर कटिंग कर रहा है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें आप फिनिशिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आप फिनिशिंग देख सकते हैं, ये फ्रंट फिनिशिंग है, कहीं पे भी आपको चिपिंग नज़र नहीं आ रही होगी। और ये हमारी इनर कटिंग है, इनर कटिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से इसमें इनर कटिंग हुई है। अगर हम कोई प्लाईवुड लेते हैं और प्लाईवुड में एक साइड माइका पेस्ट करने के बाद अगर हम कटिंग करते हैं, या दोनों साइड माइका पेस्ट करने के बाद अगर कटिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी ज़्यादा फिनिशिंग देखने को नज़र आएगी। एक्चुअली देखा जाता है जो हमारा हैंड कटर होता है उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती, जो हमारा ऑन साइड वर्क होता है जो कारपेंटर वर्क करते हैं उसमें क्या होता है, या तो एक साइड चिपिंग आएगी और एक साइड फिनिशिंग आएगी। बट इस मॉड्यूलर मशीन के द्वारा अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें इनर और आउटर दोनों तरफ फिनिशिंग देखने को नज़र आएगी, और वो भी MM के साथ। ये तो हो गई हमारी सीधी कटिंग। अगर हम इस तरीके से यहाँ से गेज काट के कटिंग करते हैं तो आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं तो वो हमारी कटिंग प्रॉपर कर देगा। अब हम आपको उस साइड से, अब उधर की कटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, अब हम आपको इधर की कटिंग करके बताएंगे। अगर मुझे यहाँ पे कोई 6 इंच का पीस काटना है तो 6 इंच में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 इंच है और ये 6 इंच प्रॉपर हो गया। अब इसको हम यहाँ से लॉक करेंगे, ये हमने इसको यहाँ से लॉक करा, अब हमारा 6 इंच का पीस कट के रेडी हो जाएगा, वो भी फिनिशिंग के साथ। तो ध्यान रहे, थोड़ा केयरफुली काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन जो है बहुत ही पावरफुल होती है, अगर आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ये बैक मार देगी, आपके हाथ भी कट सकते हैं, हानि हो सकती है कुछ भी। तो प्लीज़ थोड़ा केयरफुली काम करें अगर आपके पास ये मशीन है। अब ये हमने मशीन चालू करी, दोनों कटर चालू हो चुके हैं और ये हमारा यहाँ पे, और इसकी मदद से काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है स्पेस कम होता है, तो जितना ज़्यादा छोटा पीस काटेंगे उतनी फैसिलिटी के लिए कंपनी ने हमें एक सेफ्टी गैजेट दिया है, जिसके कारण हम इसको इजीली वर्क कर सकते हैं। ये हमारा एक पीस कट के रेडी हो गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं सेम कंडीशन वही है जो हमें अभी आउटर की फिटिंग करके बताया था, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको चिपिंग नज़र नहीं आएगी अगर हम इस एंगल से कटिंग करते हैं। और ये पूरा 6 इंच का है, मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ, आपको लगेगा कि गेज बांधने में फ़र्क आता है, तो 6 इंच वहाँ नापा था, ये देखिए पूरा प्रॉपर 6 इंच है, MM भी कम नज़र नहीं आएगा। उसके बाद ये 10 इंच का पीस हमने काटा था, उसके बाद हमने इस वाले गेज की तरफ से 10 इंच काटा था, तो ये आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर 10 इंच है, कहीं से भी फ़र्क नहीं आता। मतलब अगर हम मशीन के द्वारा कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 0-0 देखने को मिलता है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब अगर हमको किसी एंगल के द्वारा कटिंग करना है, कुछ एंटीक आइटम बनाने हैं, तो उस कंडीशन में हम मशीन को कैसे ऑपरेट करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमको कंपनी ने यहाँ से दिया है इस कटर को रोटेट करने के लिए, कि हम इसको कितने एंगल पर रोटेट कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 45 एंगल तक हम इसको रोटेट कर सकते हैं। 5 एंगल पर भी कटिंग करनी है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45। तो अभी आप 0 देख सकते हैं, अगर हमको 45 डिग्री पर कटिंग करनी है तो हम इसको रोटेट करेंगे। ये हमारा कटर जो है वो पूरा 45 डिग्री रोटेड हो चुका है स्लोप में, यहाँ तक कि इनर वाला जो कटर है वो भी हमारा 45 डिग्री स्लोप हुआ है, और बड़े वाला भी आप देख सकते हैं, ये पूरा 0-0 कटर के साथ चिपक गया है, पूरा 45 डिग्री रोटेड हो गया है। अब मैं आपको 45 डिग्री के साथ कटिंग करके बताता हूँ कि 45 डिग्री में अगर कटिंग करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट हमको देखने को मिल सकते हैं। अब भाई दो वे मैं ये पीस लेता हूँ और 45 डिग्री के साथ हम इसको कटिंग करेंगे, बस थोड़ा सा इसके लिए हमको गेज को आगे करना पड़ेगा। ये हमने आगे करा, उसके बाद हम इसको लॉक करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना ये सेफ्टी गैजेट हाथ में लेंगे और उसके बाद 45 डिग्री कटिंग करेंगे आपके साथ। ये हमारा कटिंग चालू हुआ और ये हमारा कटिंग प्रोसेस चालू हो चुका है।
अब देखिए आप यहाँ पर कितनी अच्छी फिनिशिंग हमको देखने को मिल रही है। अगर हमें कोई ऐसे एंटिक आइटम बनाने हैं बट उसमें दिक्कत आ रही है कटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे ये वाली मशीन बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ से हमको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग देखने को नजर आएगी। अब ये दोनों 45-45 डिग्री कट गए। अब 45 डिग्री कटने के बाद अगर हम इन्हें सेट करते हैं तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये इनर गैपिंग आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। क्यों? क्योंकि ये MM में कटा है। उसके बाद आप आउटर फिनिशिंग देखिए, यहाँ पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आपको देखने को नज़र आएगी। ये देखिए, ये जॉइंट प्रॉपर मिल गया लेकिन जज नहीं होगा। ये देखिए, मैं अगर इसकी एक फिल्म निकाल के आपको दिखाऊं तो आपको प्रॉपर जज नहीं होगा। ये गैप है अभी इसमें और ये गैप आपकी ख़त्म हो गई। तो कितनी अच्छी तरीके से अलाइनमेंट हमारा मिल चुका है। अब इनको हम 45 डिग्री के बाद हम अगर इनको सेट करते हैं तो ध्यान रहे कि ये चीज़ ऐसी है कि हमको ये केमिकल के द्वारा इनको सेट करना पड़ता है, कि क्योंकि इनके अंदर स्क्रू वगैरह फिटिंग करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिनिशिंग हमारी चली जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छा अलाइनमेंट हमारा मिल चुका है। ये देखिए, उसके बाद हम गुनिया लगाएंगे। ये हमारा गुनिया है, ये पूरा 45 डिग्री यहाँ पे सेट हो गया है। दूसरे एंगल से हम देख लेते हैं। इस एंगल से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 45 डिग्री सेट हो गया है। ये देखिए, पूरी प्रॉपर एक जैसी फिनिशिंग आपको नज़र आएगी। अगर हम इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेते हैं किसी चीज़ से तो आपको कहीं पे भी गैपिंग नज़र नहीं आता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं मशीन के, कि आप एक तो फिनिशिंग से माल काट सकते हैं, एक दूसरा फास्ट काट सकते हैं, फिर दूसरा ये कि कोई एंटिक आइटम बना रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटी आपको देखने को नज़र आएगी। तो अगर आप मॉड्यूलर फर्नीचर बनाना चाहते हैं फैक्ट्री मेड, वो भी बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस के साथ और लग्जरी डिज़ाइन में, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे पेज को फॉलो जरूर करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियो देखने के लिए। अगर आप फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सीधा फैक्ट्री रेट पर आपको फर्नीचर प्रोवाइड किया जाएगा ऑल ओवर MP में। और ये फिलहाल जो वीडियो शूट हो रहा है ये इंदौर में शूट हो रहा है और ये फैक्ट्री जो है हमारी ये इंदौर में है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे पेज के साथ जुड़े रहें और देखते रहें फर्नीचर टेक। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।